होटल विधानसभा में डोर टू डोर चल रहे चुनाव प्रचार में बुधवार को भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह ने गांव करमन में पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने गांव में विभिन्न चौपालों और घरों में पहुंचकर कमल के फूल पर बटन दबाने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दर्जनों ट्रैक्टर और गाड़ियों के काफिलों के साथ गाँव करमन पहुंचे, जहाँ ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मतदान की तारीख निकट आते आते भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के पक्ष में आम जनता रुझान अब बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह क्षेत्र के जिस गांव में भी जाते हैं, उसके बाद वहां की जनता पूरी तरह से देश हित में समर्थन करने का आश्वासन देती है। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के बढ़ते चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेसियों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। पिछले सप्ताह तक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले कार्यकर्ताओं की भी वापसी होना शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष के खेमे में हलचल पैदा हो रही है। गाँव करमन स्थित बिचल्ला वाली चौपाल पर मुख्य आयोजन किया गया, जहां गांव के सैकड़ों मुअज्जिज और बुजुर्ग लोगों ने भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह को अपना समर्थन दिया और फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें जिताने का भरोसा दिलाया, जिस पर हरेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव के मुअज्जिज बुजुर्ग महिला पुरुष और युवाओं द्वारा जो मान सम्मान उन्हें दिया गया है, उसे वह कभी झुकने नहीं देंगे। यहां ग्रामीणों ने कहा कि उपराष्ट्रपति देश का मुख्य नागरिक होता है, लेकिन जगदीप धनखड़ के लिए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा टूटी खाट और झुका जाट किसी काम के नहीं होते हैं। उक्त शब्दों का इस्तेमाल करना हमारे जाट समाज के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। प्रदेश अध्यक्ष की इस टिप्पणी से जाट समाज के आत्मसम्मान को भारी ठेस पहुंची है। उनकी इस प्रकार की टिप्पणी करना हमारे समाज के लिए बड़े शर्म की बात है। उन्होंने डबची कांड को लेकर कहा कि वह भी क्षेत्र की जनता से छुपा नहीं है। ग्रामीणों का कहना था कि भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह बड़े बुजुर्ग महिला पुरुषों के पैरों में दंडवत प्रणाम कर वोट मांग रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी बुजुर्गों के सामने झुकने को भी तैयार नहीं है। जब कोई प्रत्याशी वोट मांगते समय भी बुजुर्गों के सामने झुक नहीं सकता है, तो उनका अभिमानी चेहरा अब जनता स्वयं ही देख रही है। अब क्षेत्र की जनता स्वयं ही हरेंद्र का चुनाव का प्रचार कर चुनाव लड़ने को उतर चुकी है। इस अवसर पर हरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके पिता एवं पूर्व विधायक राम रतन ने हमेशा समाज के बीच बैठकर आपसी भाईचारे को बढ़ाने का काम किया। हरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं तो आपका बेटा और भाई हूं, आपके द्वारा दिए गए सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें जिताने की अपील की। कमल के निशान के सामने वाला जिनके सामने बटन दबा देना, जो मेरा 5वें नंबर पर है, 5 तारीख को 5 बजे से पहले अपने पूरे परिवार के साथ बूथ पर जाना और अपने बेटे अपने भाई को वोट के रूप में आशीर्वाद दे देना और ज्यादा सेंटर मुझे यहाँ से विजयी बनाए। मैं हमेशा आपके चरणों में रहूँगा। एक और पुनः अपनी बस्ती माता की जय। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।